सनातन धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रत्येक महीने कोई न कोई एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रत्येक महीने दो एकादशी पड़ती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष की तो दूसरा शुक्ल पक्ष की। धार्मिक मान्यता के मुताबिक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होती है। साथ ही इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से जीवन सदैव खुशहाल रहता है। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और सावन के पवित्र महीने में दो एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि सावन माह में वह कौन सी दो एकादशी है जिसका व्रत रखा जाएगा और क्या है उसका शुभ मुहूर्त। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि सावन माह में कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा तो पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा।